बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके बगैर चना चाट, दही बल्ले और फ्रूट चाट अधूरे हैं। और इस चटनी को कई महीने तक आप महफूज भी कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो जी इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने इसमें ली है इमली 250 ग्राम यानी कि एक पाव, और दो कप पानी डालकर मैंने इसको 3 से 4 घंटे तक अच्छे से भिगो दिया है। आप इसको पूरी रात भी भिगो सकते हैं, लेकिन आजकल मौसम चेंज है तो आप इसको रात को भिगोकर फ्रिज में रख दें और फिर हाथ से अच्छी तरह सुबह मसल लें। इस तरह देखें, माशाल्लाह से इमली बिल्कुल फूल गई हुई है और बहुत अच्छे से इसका गुदा अलहदा हो चुका है उसकी गुटलियों से। तो अब हम एक लेते हैं बर्तन, बर्तन में मैंने जालीदार रख दिया है बर्तन। तो इसमें हम डाल देंगे इमली। इस तरह आप सारा गुदा इसका छान लें। इसका सारा गुदा निकाल लिया, लेकिन आप देख सकते हैं अभी गुठलियों में इसका पलक मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से बाउल में डाल देंगे और मज़ीद 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर से इसको ऊपर रख के फिर से दोबारा से छाने। अब थोड़ा हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह इसकी गुठलियों को निचोड़ लें। अब टोटल 3 कप मेरे पास इमली का पल्प है। थोड़ी देर इसको इसी तरह में पड़ा रहने दें ताकि इसमें कोई मट्टी वगैरह जो है ना वो नीचे बैठ जाएगी। 10 मिनट पड़ा रहने के बाद अब हम इसको दूसरे बर्तन में डाल देंगे। ये एंड पे मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, आप इसको देख सकते हैं। ये देखें भी नीचे मिट्टी वगैरह सारी आपको नज़र आ रही होगी, वो नीचे बैठ जाती है और इमली की चटनी में इसकी कोई वो किरक वगैरह जो होती है वो नहीं आती। तो अब इसमें हम कुछ डालते हैं चीज़ें। 1/2 कप मैं डालूँगी चीनी और कुछ जाएंगे इसमें मसाले। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पीसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे चूल्हे पे पकने के लिए रख देते हैं। चटनी मैंने चूल्हे पे रख दी है पकने के लिए, अब बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। आप देख सकते हैं अब इसमें बॉयल आ गया, उसको एक दफ़ा अच्छे से हला दें। और अब आपने आँच जो है वह लो मीडियम कर देनी है। तो लो मीडियम आँच पर आप इस तरह इसको पकने दें और ये 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे बस तैयार होने में। तो 10-15 मिनट बाद आप इसको देखते हैं। 15 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए, अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना आपने, ठीक है, ये देखिए, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद बहुत थिक हो जाएगी। तो अब हम आँच बिल्कुल दम वाली कर दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 2 चुटकी काला नमक, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि चटनी ये बनकर तैयार है। अगर तो आप 2 से 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, तो बस यहीं पे आप चूल्हा बंद कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आप महीने से ऊपर 2 माह 3 माह तक के लिए चटनी ज़्यादा बना कर रखना चाहते हैं तो उसको महफूज करने के लिए उसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सिरका। तो इसको अच्छी तरह हला लें इसमें। तो अब चूल्हा कर दें बंद, ठीक है। तो इसको ठंडा होने दें। और इसके अलावा मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी, वो टोटल ऑप्शनल है, जो कि चटनी को 4 चांद लगा देगी। चूल्हे पे मैंने रख दिया एक फ्राई पैन और इसको सिर्फ आपने ग्रीस करना है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना, हल्का सा बस। इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून मगज़, सारे मगज़ जो होते हैं ना वो, और इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसको हल्का सा रोस्ट कर लें, साथ ही चूल्हा जल्दी से बंद कर दें, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाते हैं। और इसको डाल देंगे हम चटनी में। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप चटनी कितनी ज़बरदस्त लग रही है।
चटनी को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये देखिए कितनी अब ठंडी होके थिक हो गई है। ठीक है, चटनी को आप फुल ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर या किसी जार में महफूज कर सकते हैं और 4 से 5 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।